हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ़ क्लास थर्ड कंप्यूटर्स आज इस वीडियो में हम थर्ड क्लास कंप्यूटर हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कंप्यूटर डिस्प्लेस डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर क्या डिस्प्ले करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनपुट सबसे पहले हम जो कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं उस डेटा को उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है और उसके बाद फाइनली जो डिस्प्ले करता है मॉनिटर स्क्रीन पर उसे हम आउटपुट बोलते हैं तो यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट इज डैश इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है सी मॉनिटर या फिर कीबोर्ड कंप्यूटर का ब्रेन हम सी को कहते हैं क्योंकि जो भी इनपुट जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हैं सी ही है जो उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट शो करता है सारी जो इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग जो है वो सी में ही सेव रहती है दैट इज़ वाई ए ऑप्शन सही है डैश इज एन आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड माउस प्रिंटर कीबोर्ड और माउस से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उस इंफॉमेसन को या तो डिस्प्ले करता है या फिर अगर आप चाहे जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका तो यानी कि आपका जो एक आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है सी ऑप्शन सही है डैश इज़ एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है माउस प्रिंटर मॉनिटर प्रिंटर से आप कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन फीड नहीं कर सकते ना ही मॉनिटर से ये दोनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं ये वो है जो कंप्यूटर हमें शो करता है हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है क्लिक्स के थ्रू तो कीबोर्ड और माउस से हम लोग देते हैं आपका ऑप्शन ए सही होगा नेक्स्ट इज डैश की इज़ यूज टू फिनिश अ लाइन एंड मूव द कर्सर नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट न्यू लाइन ऑन द पेज अगर आप एक पेज पर है मान लीजिए वर्ड में कुछ टाइप आप कर रहे हैं एक लाइन में आप लिख रहे हैं माय नेम इज दिस दिस एंड दिस उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आना है आप आगे नहीं लिखना चाह रहे तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे आपके ऑप्शंस हैं कैप्स लॉक की एंटर की शिफ्ट की तो देखिए कैप्स लॉक जो होता है इससे आपके जो लेटर्स आप लिख रहे हैं वो कैपिटल होते हैं सिर्फ अगर आपको नेक्स्ट लाइन में आना है उसके लिए आप एंटर की प्रेस करेंगे बी ऑप्शन सही है डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द की बोर्ड की बोर्ड बोर्ड के ऊपर सबसे लास्ट में यहाँ पर हम सपोज करिए की बोर्ड है यहाँ पर एक काफ़ी लंबी की होती है उसका नाम क्या है बाकी सारे और भी नंबर्स होते हैं बहुत सारे ए एस डी एफ एंड एवरीथिंग ये सबसे लॉन्गेस्ट की है इसका नाम स्पेस बार टैप की या फिर कैप्स लॉक सबसे बड़ा स्पेस बार होता है स्पेस बार की ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर इन ऑल डायरेक्शन इन द पेज ये बिल्कुल सही है एरो की जो आपकी होती है उससे आप कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करा सकते हैं सो ट्रू द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी नहीं अगर आपने प्रिंट किया है आपके हाथ में पेपर है मान लीजिए कोई भी पिक्चर है उसके ऊपर आपने प्रिंट आउट ले लिया उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आपकी वो है जो आपके कंप्यूटर के अंदर है कई बार आपने देखा भी होगा आपकी टीचर बोलती है जैसे आजकल कोरोना में चल रहा था ये असाइनमेंट करिए और मुझे सॉफ्ट कॉपी में भेजिए तो तब आप एज इट इज़ वो फाइल भेज सकते हैं लेकिन अगर वो कहेंगे हार्ड कॉपी भी भेजिए तो आपको उसको प्रिंट निकाल के देना पड़ेगा ओके तो उसे सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी बोलते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है सी पी यू इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस सी को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है मॉनिटर इज अ इनपुट डिवाइस मॉनिटर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है बिल्कुल नहीं फॉल्स स्टेटमेंट है वो आउटपुट है आपको अगर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट करना है तो आप मॉनिटर पर टैप करके नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपका जो डेस्कटॉप है वो टच स्क्रीन ना हो हम नॉर्मल कंप्यूटर की यहाँ बात कर रहे हैं सो so मॉनिटर नहीं है हमारा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर इज़ अ वेरी स्लो मशीन ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स है काफ़ी फास्ट है द कैप्सलॉक इज़ यूज फॉर टाइपिंग अल्फाबेट इन कैपिटल अगर आपको अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में टाइप करना है तो आप कैप्सलॉक यूज़ करते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज गेस हु आई एम बताओ मैं कौन हूँ आई एम बॉस एंड कंट्रोल ऑल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर ये है सी सारी एक्टिविटीज़ यहीं से ही कंट्रोल होती है आई गिव आउटपुट ऑन पेपर मैं पेपर पर आपको आपका आउटपुट देता हूँ ये है प्रिंटर ओके नेक्स्ट अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं सबसे पहले राइट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए एक बहुत ईजी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ आप लिखेंगे सबसे पहले तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये तो आप सबको याद ही होगा डेफिनेशन में हमेशा सबसे पहले यही लिखा जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिवाइस इट एक्सेप्ट दी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट ये क्या आउटपुट सबसे पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और फिर हमें आउटपुट देता है सिंपल नेक्स्ट राइट दी नेम ऑफ थ्री इनपुट डिवाइसेस तीन इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए माउस कीबोर्ड माइक्रोफोन कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन uh, से भी आप कुछ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर या कैमरा जो भी आप लिखना चाहें नेक्स्ट इज हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर राइट स्टेप स्टेप लिखने हैं कंप्यूटर को अगर आपको शट डाउन करना है सबसे पहले तो आप विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक द विंडोज बटन विंडोज बटन कहाँ मिलेगा आपको बटन जो कि बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होता है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे कॉर्नर में अगर आप देखेंगे वहां पर विंडोज बटन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे क्लिक शट डाउन उसके बाद जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे वहां पर शट डाउन लिखा हुआ आएगा उसमें या फिर रिस्टार्ट उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वेट फॉर द सिस्टम वेट फॉर द सिस्टम टू पावर इट्स सेल्फ डाउन और वेट करेंगे ऐसा नहीं है कि चलिए हो गया कंप्यूटर आपने क्लिक किया और उसके बाद आप चले गए कंप्यूटर को शट डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो जब तक वो खुद को पावर ऑफ करता है पावर डाउन करता है तब तक आप वेट करेंगे देन स्विच ऑफ कर देंगे दैट्स ऑल ओके ये तीन सिंपल स्टेप्स है कंप्यूटर को शट डाउन करने के और ये था आपका कंप्यूटर्स का पेपर होपफुली सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे इनफैक्ट काफ़ी बच्चे स्पेशली अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत यूज़ भी किया होगा ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग